दोस्तों एक प्रश्न जो कि नॉर्मली सभी पेट ओनर्स के दिल में रहता है कि आखिर मेरा डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा है। ये बहुत ज़्यादा शिकायतें कमेंट्स के माध्यम से भी मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा शिकायतें जो पेट ओनर कॉल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनकी भी मिल रही थी। तो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें भी अधिकतर यही था कि डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाला हूं। आपको ऐसे 25 कारण बताऊंगा, उन कारणों को आप इजीली सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप उन्हें दूर नहीं कर सकते, इजीली दूर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा है। देखिए धीरे धीरे करके मैं एक एक करके आपको 25 कारण बताऊंगा। उन सभी कारण को ऑब्जर्व करते रहिएगा, आपके डॉग में कौन सा रीजन है उसको दूर कर लीजिएगा, बस वो खाना पीने लग जाएगा। नंबर वन जो कारण है, अगर आपके डॉग ने पहले आज कल या परसों में अगर ज़्यादा खा लिया है तो भाई वो एक दो दिन कम खाएगा, फिर अपने आप खाने लग जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर उसने कुछ अटपटा खा लिया है, अटपटा का मतलब होता है नॉर्मली वो चीज़ें खाता नहीं है जबकि आज उसने खा ली है, तो वो हो सकता है भोजन ही, वो अच्छा भोजन है लेकिन रोज नहीं खाता है, आज उसने खा लिया तो प्रॉब्लम हो गई। अगर नंबर थ्री की बात करें तो भाई अगर उसने सड़ा गला कुछ खा लिया है, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको भूख लगी थी, उसके सामने आया और वो जो सामने आया खाना वो सड़ा गला था, है ना। तो सड़ा गला बासी खाना अगर उसने खा लिया है तो भी वो खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई जहरीला खाना किसी ने दे दिया, भाई कोई दूसरे पेट ओनर के घर पे या कहीं पर भी जो खाना उसने खाया गलती से वो जहरीला था, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण और वो होता है पेट के कीड़े, यानी एंडोपैरासाइट्स। जी हाँ, पेट के कीड़ों का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसकी वजह से खाना नहीं खाता। इसके अलावा एक रीज़न और होता है और वो होता है, जैसे मैंने एंडो की बात की वैसे ही एक्टोपैरासाइट्स, यानी एक्टोपैरासाइट्स उसको बाहर से खून चोंस रहे हैं। अब मान लीजिए कि उसको टिक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, वो खून चोंस रहे हैं, माइट्स परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर वो खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा अगले कारण की अगर मैं बात करूँ तो वो है फ्रेंड इन्फेक्शन का। अगर शरीर में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, इन्फेक्शन प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन फंगल भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा का भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन उसको हो गया है तो भाई वो खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर डिसऑर्डर्स, लीवर प्रॉब्लम जिन्हें बोलते हैं, यकृत प्रॉब्लम, तो अगर लीवर में कहीं प्रॉब्लम है तो भी वो खाना नहीं खाएगा। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है लीवर का। इसके अलावा अगर उसके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी है तो उनकी वजह से भी खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, देखो विटामिन कोई सा भी हो सकता है, मिनरल कोई सा भी हो सकता है, जितनी आवश्यकता है उसे उतने विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर कम मिल रहे हैं तो भी तकलीफ, ज़्यादा मिल रहे हैं तो भी तकलीफ, तो दोनों ही कंडीशन में खाना पीना कम कर सकता है। इसके अलावा उसके शरीर पर कहीं पर भी दर्द हो रहा हो या शरीर पर कहीं पर भी सूजन हो तो दर्द और सूजन की स्थिति में भी वो खाना नहीं खाएगा। वही दर्द सूजन से रिलेटेड बुखार, तो बुखार तो कई समस्याओं में आ सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा आपने उसके मुंह को ऑब्जर्व नहीं किया, अगर उसके मुंह में छाले हैं या उसकी आंतों में छाले हैं या उसके स्टोमक में छाले हैं, पेट में छाले, कहीं पर भी अगर छाले यानी अल्सर अगर है तो भाई वो खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा उसके दांत को ऑब्जर्व कीजिए, अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है, दांत हिल रहा है, दांत टूट गया है, दांत मसूड़े कुछ ना कुछ दिक्कत लिए हुए हैं तो नहीं खाएगा, तो उनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने उसका स्थान परिवर्तन कर दिया, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपने उसका स्थान परिवर्तन कर दिया तो नहीं खाएगा। अगर मान लीजिए मालिक बदल गया, कई बार ये भी होता है कि आप उसको कहीं छोड़ करके जाते हैं तो स्थान तो बदलता ही बेचारे का, मालिक और बदल जाता है, तो स्थान और मालिक अगर बदलता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर उसका साथी कोई बिछड़ गया है या उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो अगर उसको अकेलापन महसूस हो रहा है तो भी भाई वो खाना नहीं खाएगा। साथी जैसे किसी के साथ वो रहता था,
दूसरा डोगी हो सकता है, दूसरा कोई जानवर हो सकता है, तो वो अगर मान लीजिए उससे बिछड़ गया है, दूर चला गया है, तो भी खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा मौसम परिवर्तन, जब भी मौसम बदलता है तब भी डॉग्स में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है और वो खाना पीना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, और हमें लगता है कि बीमार है, बीमार नहीं, मौसम परिवर्तन की वजह से भी खाना छोड़ सकता है। इसके अलावा अगर उसे मन पसंद खाना नहीं मिला, भाई हर एक डॉग की पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो जो पसंदीदा उसका खाना है अगर वो नहीं मिल रहा है उसकी वजह से भी नहीं खाता, ये भी रीज़न है। इसी से जुड़ा हुआ एक रीज़न और आ गया है, वो यह है कि मान लीजिए आप उसको चिकन मटन कभी देते नहीं हैं और कुछ समय ऐसा बीता कि आपने उसको चिकन मटन दे दिया, तो फिर वो खाना नहीं खाएगा, उन्हीं के इंतज़ार में रहेगा, यानी वो उसके मनपसंद भोजन बन गए, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा अगर आपने खाना खिलाने का समय में बदलाव कर दिया, सुबह का जो समय था उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, दोपहर का समय आपने 1 से 2 घंटा इधर उधर कर दिया, या शाम का समय भी आपने 1-2 घंटे अगर इधर उधर कर दिया, तो समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय के हिसाब से अंदर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो अपने आप खाने की डिमांड कर लेते हैं, तो जिस समय भूख लगी उस समय आपने खिलाया नहीं और बाद में आप खिला रहे हैं उस समय वो खाएगा नहीं, तो समय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है एक्सरसाइज का। जी हाँ, आपने अगर प्रॉपर व्यायाम उसे नहीं करवाया है, प्रॉपर उसके एक्सरसाइज नहीं करवाई है, तो ये भी बहुत बड़ा बिंदु है जिसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसकी एक्सरसाइज करवाइए, ना ज़्यादा ना कम, लिमिटेड उसकी एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जिस बर्तन में आप खाना खिला रहे हैं, भाई ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपने बर्तन में बदलाव किया, बर्तन गंदा है या कुछ भी ऐसा रीज़न हुआ है, तो भी वो खाना नहीं खाएगा, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और कई बार आप इस रीज़न को छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ पे चल लेते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है। कईयों को हमने देखा बहुत सारे इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, ड्रिप लगवा लेते हैं, खाना नहीं खाता, कारण क्या था कि उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, उसका बर्तन चेंज कर दिया, खाने का समय चेंज कर दिया, तो ये चीज़ें भी इनमें क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल डॉग है और वो हीट में है, उस समय भी खाना नहीं खाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा हीट के बाद आपने कंसीव करवाया, कंसीव के बाद वो गर्भावस्था धारण कर लेती है, यानी कि प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर लेती है, कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो भी भाई वो खाना कम कर सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जब वो बच्चा देने वाली होती है, कईयों के फ़ोन आते हैं कि सर 65 दिन की हो गई, बच्चा देने वाली है, 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, तो भाई उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि वो बच्चा देने वाली है, इस वजह से नहीं खा रही है, तो ये भी आपको विशेष देखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी अंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी अंग में, ब्रेन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, यूटीआई प्रॉब्लम कई प्रकार की होती है, मतलब किसी भी तरीके की अगर कोई बीमारी ऐसी शरीर में हो गई है, कई बार ऐसे स्किन डिजीज़ भी होते हैं जिनकी वजह से भी खाना कम कर देती है, तो कोई भी बीमारी अगर शरीर में लग गई है तो उसकी वजह से भी आपका डॉग खाना कम कर सकता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग रीज़न मैं लास्ट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और वो इंटरेस्टिंग रीज़न क्या है, वो यह है अट्रैक्शन की कमी, आकर्षण की कमी। आप मान लीजिए अपने डॉग की तरफ पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से आप व्यस्त हैं, इस वजह से उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाए, तो वो जो आकर्षण की कमी है उसकी वजह से भी वो खाना छोड़ देगा, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। और अंत में एक ऐसा रीज़न मैं लेना चाहूँगा जो बहुत सारी चीज़ों को समाहित कर देता है, बहुत सारी, और वो समाहित करने वाला रीज़न क्या है, वो है स्ट्रेस का, तनाव का। जी हाँ, स्ट्रेस बारिश का हो सकता है, स्ट्रेस गर्मी का हो सकता है, स्ट्रेस स्थान परिवर्तन का हो सकता है, स्ट्रेस किसी दवा का भी हो सकता है। अगर आपने उसके ऊपर कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की, उसका भी स्ट्रेस हो सकता है। तो किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस हुआ है, तनाव हुआ है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, तो इस तरीके का अगर तनाव शरीर उस पर डॉग पर असर कर रहा है, तो तनाव की स्थिति में भी वो खाना पीना कम कर सकता है, छोड़ सकता है, बिल्कुल भी बंद कर सकता है। अब देखिए, ये इतने सारे रीज़न हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बस इन रीजन्स को पहचान लीजिए, अपने डॉग के ऊपर कौन सा रीज़न सूट हो रहा है उसको दूर कर दीजिए, वो खाने पीने लग जाएगा।
इसके अलावा अगर हम देखें बीमारी की तरफ कि कहीं गंभीर बीमारी, तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपना लक्षण प्रकट कर देती है, उनको आप देख लीजिए। तो कई बीमारियां ऐसी होती है जो डायग्नोस वेट के द्वारा की जाती है। तो आप अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे, तो नज़दीकी वेट से मिलिए, उन्हें जांच करवाइए। और आप अगर घर पे ही ऑब्जर्व के सारे पॉइंट्स अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सब चीज़ें खुद पहचान सकूं, उसके दूर करने का प्रयास कर सकूं, तो आप हमारा डॉग ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर आपको ऑनलाइन सेशन मिलेगा डॉग का, वो ज्वाइन करके आप अपने आप में डॉग से रिलेटेड ऑल ओवर जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई ये रीज़न है, इनको पहचानिए, दूर कीजिए, आपका डॉग खाना खाने लग जाएगा।